हेलो फ्रेंड, नमस्ते नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग को स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के साथ, शेयर कर रहे हैं जो हमारा दोस्त को भर्ना किए थे राधेश्याम जी को हॉस्पिटल में। उनको अच्छा नहीं बुझा रहा है अभी, उनको सीरियस अभी पड़ रहा है और डॉक्टर लोगों को बहुत दो दिनों से बहुत ज़्यादा प्रेशर करके हम लोग उनको रखे हैं टर्मा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है यहाँ पे, बीर हॉस्पिटल के बगल में, काठमांडू। जी हाँ, काठमांडू लेकर आए थे आप लोगों तो इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो गाइज, अभी राधेश्याम जी का ठीक नहीं, आराम नहीं आ रहा, मतलब कि ठीक नहीं बुझा रहा है अभी। उनका पैर का प्रॉब्लम बढ़ रहा है धीरे धीरे, उनका पैर का समस्या बहुत बढ़ रहा है और हम लोग का डर भी लग रहा है कि आगे जाके क्या होगा। तो डॉक्टर से बात किए हैं आज रात को, न तो कल सुबह को उनका पैर को ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन हो के देखा जाएगा कि कितना तक इन्फेक्शन फैल रहा है। और दोस्तों क्या बताएं, अभी हमारे दोस्त राधेश्याम जी को ऐसा सीरियस होने के बाद हम वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहे थे यूट्यूब में। अब सोचे थोड़ा अब कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं आप लोगों को। और मैं आज थोड़ा फ्रेश होता, देखिए लगभग 8 दिन हो गया सोए भी नहीं है और आप लोगों को चेहरा तो दिख रहा होगा कैसा अभी हो गया। नींद नहीं लग रहा है अस्पताल में, ऐसा ऐसा मरीजी आ रहा है यहाँ पे क्या बताएं। बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पे अभी हम लोगों को झेलना पड़ रहा है और दुआ करते हैं ऊपर वाले से ऐसा तकलीफ किसी और दोस्त को नहीं मिले। और काफ़ी सारा दुख उठा चुके हैं हम लोग और काफ़ी सारा पैसा भी खर्च कर चुके हैं। और देखिए अभी क्या हो रहा है, टर्मा हॉस्पिटल में रखे हैं राधेश्याम जी को और रात को नहीं होगा तो ऑपरेशन, उनको बोल रहा था डॉक्टर पहले चेक करेगा, चेक करने के बाद ऑपरेशन होगा, उसके बाद में इन्फेक्शन कैसा अभी जा रहा है उनके शरीर में वो अनुसार से पैर को काटने के लिए बोल रहा था डॉक्टर। थोड़ा पौधान होता है पैर नीचे का, वो काटने के लिए बोल रहा, तो समस्या बढ़ गया है। अब देखिए हम लोग उनको बोले हैं, डॉक्टर को बोले हैं कि डॉक्टर साहब उसको इलाज थोड़ा अच्छे तरीके से कीजिए, पैर नहीं काटना पड़े, पैर काटने की, क्योंकि इंसान के सबसे बड़ा सबसे मूल्य चीज़ पैर है, पैर कट जाएगा तो बहुत समस्या हो जाएगा फैमिली को देखने के लिए, है कि नहीं। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है हम लोग, तो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं आप लोगों के लिए अच्छे से। आप लोगों को सैड न्यूज़ मिल रहा है दो दिन से, तो बुरा नहीं मानिएगा भाई, और नए चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि कल राधेश्याम जी का ऑपरेशन हो जाने के बाद में आप लोगों को अच्छे न्यूज़ मिल जाएगा, अच्छे से वीडियो भी आने लगेगा काठमांडू का वीडियो भी खींचेंगे, अच्छे से ब्लॉगिंग बनाएंगे, आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। तो गाइज, भाई को सपोर्ट करें और राधेश्याम जी के लिए दुआ करें ऊपर वाले से कि उनको जल्द ही ठीक कर दे कि हमारे साथ फिर से वीडियो बनाने लगे। काफ़ी टेंशन में है हम लोग, उनका घर में भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है आदमी लोग। चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक का इतना ही। साइड में आकर वीडियो 10 मिनट के लिए आपके लिए टाइम नहीं है मेरे पास, और उनके राधेश्याम जी के पास पूरा बेड के पास 24 घंटा बैठना पड़ रहा है वहाँ पे। राधेश्याम जी का तुरंत ही ठीक हो जाने के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा, और हम भी जाकर मंदिर में दुआ किए हैं उनके लिए, भगवान से प्रार्थना किए हैं कि जल्दी ही ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसा घटना किसी के साथ ना हो, भगवान खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा घटना हो जाए। और एक सुझाव के लिए आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहते हैं कि कभी भी भाई दोस्त हमारे, प्यारे दोस्त हमारे, जितना सब्सक्राइबर भैया लोग आप लोग है, बाइक को कभी भी तेज़ में नहीं चलाइएगा, बाइक को बहुत धीरे से चलाना है, बहुत ख्याल करके चलाना है, अपने शरीर को, अपने माता पिता को देखकर, बाल बच्चा, अपना पूरी फैमिली को देखकर बाइक चलाना है, क्योंकि हम लोग बहुत झेल चुके हैं आज। और पानी पड़ने का मौसम से हम अभी वीडियो को
यही स्टॉप करते हैं, तब तक इतना ही। ओके बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में।